हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है राणा विशाल और आप देख रहे हैं से हाय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो के माध्यम से आपको सीखने सिखाने और बताने की कोशिश किया करता हूँ, यानी कि यहाँ इस यूट्यूब चैनल वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को ही मिलता है। इस वीडियो के टाइटल में आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में मैं आपको एक SEO का ट्रिक्स बताने वाला हूँ, वो है बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हल्का भी पता होगा तो आपको ये इतना अंदाज़ा ज़रूर होगा कि बैकलिंक वेबसाइट के लिए कितना इम्पोर्टेंस होता है। बैकलिंक गूगल एल्गोरिथम को, बैकलिंक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को एक किक करने में मदद करता है। बैकलिंक के बारे में पता ही नहीं है तो उन्हें भी मैं थोड़ा संक्षेप में बताते हुए चलूँगा, और साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप विकिपीडिया, एग्जैक्टली आपने सही सुना, विकिपीडिया से आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। आज के डेट में विकिपीडिया कितना इंपॉर्टेंट लेता है गूगल के लिए आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। विकिपीडिया पे कितना ट्रैफिक है वो किसी से छुपा है नहीं। आपके वेबसाइट को रैंकिंग इंप्रूव करने में भी ये मदद करता है विकिपीडिया का रैंकिंग। जैसा कि आपको पता है कि गूगल सर्च इंजन जो है वो प्रेफरेंस देता है विकिपीडिया का। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा पॉइंट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बैकलिंक ही है, बैकलिंक क्रिएट करने के लिए बड़े बड़े कंपनी के वेबसाइट भी विकिपीडिया से बैकलिंक क्रिएट करने के लिए डिजिटल मार्केटर को और एजेंसी वाले को अच्छा खासा पैसा देते हैं कि भाई बैकलिंक क्रिएट कर देना मेरे लिए, मेरे वेबसाइट ये है इसके लिए बैकलिंक क्रिएट करना है। तो ये एक तरह से ऑफ पेज में ये बहुत बड़ा रोल लेता है बैकलिंक। अब आपको सीधा मैं पॉइंट स्टेप में बताता हूँ बैकलिंक का इम्पोर्टेंस। और हाँ, अब आगे स्टेप बाय स्टेप बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल वीडियो के माध्यम से आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। इस YouTube चैनल वीडियो पे बहुत सारे डिजिटल मार्केटर हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो इस ट्रिक को, इस स्ट्रेटजी के पे वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में शेयर किए हैं। एक तरह से इसी का वो पैसा लेते हैं। मोस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटर इस छोटे से काम के लिए अच्छा खासा पैसा लेते हैं, और वो चीज़ आप सीखने जा रहे हो, एक तरह से हमारे तरफ से ये आपके लिए गिवे है। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन टॉपिक। जो नए लोग हैं जिनको बैकलिंक के बारे में नहीं पता, तो उनको संक्षेप में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि बैकलिंक क्या है। बैकलिंक मतलब कि कहीं दूसरे के साइट से, कहीं दूसरे के प्लेटफॉर्म से आपके वेबसाइट पे या आपके URL लिंक पे ट्रैफिक आ रहा है, वो वहाँ विजिट कर रहा था, वहाँ उसको पढ़ने को मिला आपके बारे में और वहाँ से क्लिक करके आपके पास आया, तो यही है बैकलिंक, वहाँ से उठ करके आपके पास आ रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी ने विकिपीडिया पे ब्लॉग के बारे में पढ़ना शुरू किया और वो पढ़ रहा है और ज़्यादातर लोग रेफरेंस पे ही जाते हैं, अगर उसके बारे में और कुछ डीपली जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये जो रेफरेंस मिल रहा है ये देखिए, अगर इसमें रेफरेंस मिल रहा है ब्लॉग से रिलेटेड, यहाँ यहाँ इसके बारे में लिखा है, इसके बारे में यहाँ इसके बारे में लिखा है ब्लॉग के बारे में, इसी में अगर आपके बारे में लिख जाए कि ये यूट्यूब चैनल है जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताता है, या ये वेबसाइट है जो इस टॉपिक पे लिखा है, ब्लॉग के टॉपिक पे लिखा है, तो यहाँ पे लोग क्लिक करेंगे और आपके पे ट्रैफिक आता है और अच्छा खासा आ सकता है। तो ये बैकलिंक कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं करता हूँ वो बताता हूँ। अब ये यहाँ पे किसी के वेबसाइट पे कैसे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, सो मैं बताता हूँ। बहुत से ऐसे विकिपीडिया पे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक पे डेड लिंक है, मतलब कि वो लिंक पहले था लेकिन उस टॉपिक पे, लेकिन इन प्रेजेंट वो या तो वो डिलीट कर दिया गया या किसी तरह से वो लिंक अवेलेबल है ही नहीं, तो अब उसके बदले में क्या है, वो डेड लिंक है। अगर उसकी जगह पे आप अपना वैल्यूएबल कंटेंट, उससे मिलता जुलता कंटेंट डालते हैं, तो ये बहुत अच्छा ही काम करने वाला है। तो कैसे हम पता करेंगे डेड लिंक विकिपीडिया पे, और हम अपना वेबसाइट का या अपने वीडियो का URL वहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट ही आपका सबसे बड़ा जादू की छड़ी है जो आपको बैकलिंक दे सकता है। अगर आप क्लाइंट के लिए काम करते हो तो यही वो SEO का जादू की छड़ी है जो आपके लिए बैकलिंक का भंडार है। विकिपीडिया से आप यूँ इजीली बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो, तो वो है
विक्की GRABER, ये बैकलिंक यही है जादू की छड़ी जो आपको याद रखना है ये वेबसाइट। और इस पे हम क्लिक कर रहे हैं और ये वो जादू की छड़ी का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इसमें अब आप अगर आपका कोई कंटेंट है आपका या कोई पोस्ट है या किसी तरह का ये आर्टिकल है जो आपको रिलेटेड है डिजिटल मार्केटिंग से, राइट, डिजिटल मार्केटिंग से वो कंटेंट है, तो डिजिटल मार्केटिंग जिस कीवर्ड से आपका कंटेंट है वो कीवर्ड हम यहाँ पे सर्च किए डिजिटल मार्केटिंग, तो ये इतने सारे रिजल्ट देखने को मिल गया। ये सारे विकिपीडिया जो लास्ट में आप देख रहे हो ये विकिपीडिया पे इस हमारे कीवर्ड से रिलेटेड कंटेंट हैं और उस पे हम उसके उस विकिपीडिया के पेज से हम बैकलिंक लाना चाह रहे हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि कौन से डेड लिंक कहाँ है, जो ऐसा URL जिस पे अभी प्रजेंट में लिंक नहीं है और आप रिप्लेस करने वाले हो, तो हम यहाँ पे डेड लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये इतने सारे आ गए। हम सिर्फ विकिपीडिया वाले साइट पे ध्यान देंगे, ये विकिपीडिया है, ये विकिपीडिया है, ये कहीं किसी और के साइट वेबसाइट पे ये पोस्ट जो भी है इस तरह पे हम ध्यान नहीं देंगे। हमें कहाँ से एप्पल के वेबसाइट पे या ऐप टेक कंपनी के वेबसाइट से आप बैकलिंक लेना लाना चाह रहे हो या मार्केटिंग रिसर्च के विकिपीडिया से बैकलिंक लाना चाह रहे हो, जहाँ से आप कोई भी जो पेज आप ले लो जहाँ से ट्रैफिक आता भी हो तो एक बड़ा फैक्टर ले सकता है, उसे हम क्लिक करेंगे और नए टैब में खोलेंगे। जब ये नया टैब में खुल गया तो अब हमें पता करना है कि इसमें डेड लिंक कहाँ है, यानी कि ऐसा रेफरेंस लिंक कहाँ है जो अभी प्रेजेंट में नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, Ctrl+F दाबना है और यहाँ पे आपको डेड लिंक टाइप करना है। डेड लिंक आपको यहाँ पे डेड लिंक ये देखिए, यहाँ पे आपको ये जो लिंक है ये परमानेंट यहाँ से डिलीटेड है, ये लिंक है जो परमानेंट डिलीटेड है, यानी कि 3 पे 7 पे, यानी कि जो 3 और 7 है ये इस यहाँ पे आप अपने वेबसाइट के बारे में लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो। और फिर यहाँ एडिट करने के लिए आपको करना क्या है पहले ये देख बता देता हूँ। और हाँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नंबर आप ध्यान रखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे रिप्लेस करना चाहूँगा नंबर 7 पे, तो ये नंबर 7 पे, तो फिर से आप Ctrl+F में जाओगे, ब्रैकेट में 7 दोगे, ये 7 पे आप आ गए। जब 7 पे आप आते हो तो यहाँ पे आप उसके ऊपर देखना आपको एडिट सोर्स करने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको एडिट सोर्स करने को मिल रहा होगा। और हाँ, अगर एडिट सोर्स करने को नहीं मिल रहा है इसका मतलब है कि आपने लॉगिन नहीं कर रखा है, आपने विकिपीडिया पे अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन नहीं किया है। तो सिंपल आप लॉगिन कीजिए, जब आप ब्लॉगिंग कर रहे हो या इंटरेस्टेड हो आप डिजिटल स्किल्स में, तो मैं डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि आपको साइन अप अकाउंट क्रिएट करने तो आता ही होगा। तो आप पहले विकिपीडिया पे जैसे ही आते हो तो आप यहाँ पे लॉगिन करना है, जो कि मैं यहाँ पे देखो मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, मैं अपने अकाउंट से यहाँ ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो आप जब लॉगिन रहोगे ना तभी ये एडिट करने को मिलेगा। तो नंबर 6 में हम एडिट करने वाले थे, हम नंबर 7 में एडिट करने वाले थे, ब्रैकेट में नंबर 7 दिया और इसके ऊपर वाले हेडलाइन में देखिए यहाँ पे एडिट सोर्स करके आया। मैं इस एडिट सोर्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ एडिट सोर्स पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर से हमें Ctrl+F करना है और वो डेड लिंक है जो लिंक जो URL अभी है नहीं वो पता करना है कि कहाँ है, कहाँ हमें रिप्लेस करना है। तो हम फिर यहाँ पे डेड लिंक टाइप करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे डेड लिंक आ गया और ये है इसका URL। समझ में आ ही रहा होगा लगभग लगभग, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ये उसके बारे में लिखा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से समझते हुए आप यहाँ से एडिट करो। और मैं अपने YouTube चैनल के वीडियो का प्लेलिस्ट का बैकलिंक लेना चाहता हूँ, ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट कोर्स का प्लेलिस्ट का ये यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसका URL मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये इसका इस प्लेलिस्ट का URL है और इस पे मैं ट्रैफिक लाना चाहता हूँ, इस URL का बैकलिंक मैं क्रिएट करना करने जा रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर आपके ब्लॉग है, पोस्ट है, ब्लॉग है या एफिलिएट मार्केटिंग का कोई ब्लॉग है तो उसका आप URL ले सकते हो जिसका आप बैकलिंक चाहते हो। और यहाँ पे आप ये डेड लिंक के ठीक आगे वाला आप यहाँ से एडिट कर सकते हो।
यहाँ पे HTTP ये ही आप चेंज करना, ठीक है। ये जब आप एडिट कर लेते हो तो ये सार अब यहाँ से आप ये डेड लिंक ये आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि अब वो डेड लिंक नहीं रहा, अब एक वैलिड लिंक आपने प्रोवाइड कर रहे हो, आप अपडेट करने जा रहे हो। फिर इसके बाद आप अपने कंपनी के बारे में लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिमुलेटेड टेस्टेड मार्केटिंग, आप लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो अपने कंटेंट से रिलेटेड, जैसे कि मैंने लिख दिया हिंदी यूट्यूब चैनल मार्केटिंग, ये रेफरेंस यहाँ से मिल रहा है, इसे यहाँ से आप अपने हिसाब से देख के बदल सकते हो। डेट नवंबर कर देता हूँ 2018, और ये जब आपको ये एडिट करना, जो आपको लॉजिक यहाँ पे लगता है, जो आपके कंटेंट जो जैसा लिखना इसमें है वो समझ से आप यहाँ पे एडिट करके आप यहाँ पे पब्लिश चेंज करोगे, यानी जो आपने अपडेट किया है वो आप पब्लिश करने जा रहे हो। कभी कभी ये डायरेक्ट पब्लिश हो जाएगा, और नहीं तो फिर ये कैचे सिक्योरिटी यहाँ पे वेरीफाई करने को बोल रहा है, जो कि मैं कर रहा हूँ, और फिर से मैं ये पब्लिश चेंज करता हूँ। ये देखिए योर एडिट बस सक्सेस, और कितना कंट्रोल एफ करता हूँ, और वो क्या मैंने देखा था, डेड लिंक 7 नंबर पे था, डेड लिंक आ रहा था, जो कि अब वो डेड लिंक गायब हो गया, और यहाँ पे मेरा अब एक यूआरएल है, जो कि अब यहाँ पे इस यूआरएल पे इस पे क्लिक करते हैं, जब अब इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो इस हिसाब से मैंने एक बैक लिंक क्रिएट कर दिया है विकिपीडिया से अपने वेबसाइट के लिए मिलता जुलता। और ये जब विकिपीडिया पे वो कंटेंट जो कंटेंट है और आपका कंटेंट है ज़्यादा रिवलेंट होगा तो गूगल उसे इम्पोर्टेंस देगा और फिर वो रैंकिंग करेगा। तो ये एक फैक्टर है बैकलिंक्स विकिपीडिया से लेने का, और आप यहाँ से समझ सकते हो कि विकी ग्रैबर पे यहाँ से आपको ये समझने के मिल जाएगा कि बैकलिंक विकिपीडिया से कितना बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है सर्च इंजन के लिए, कितना क्या रोल लेता है सर्च इंजन के लिए। ये और कुछ अगर जानना चाहते हो तो यहाँ आपको पढ़ने को मिल जाएगा, आप ये पूरा टोटल पढ़ लें। नो फॉलो लिंक्स डू फॉलो लिंक्स यहाँ से मिल सकता है, और ये दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है आप अच्छे तरीके से, ये पढ़ने वाला विषय है जो कि आप पढ़ें समझें। और वैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता ही रहूँगा, फिलहाल के लिए ये वीडियो समाप्त करता हूँ। और हाँ, अगर ये इस स्किल के बारे में आपको पता था तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें पता था, और हम इतने समय से हम इस तरह से ट्रैफिक ला रहे हैं विकिपीडिया से, तो कमेंट में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, औरों के लिए ये यूज़फुल होगा। इस तरह के वीडियो आपको लिए इम्पोर्टेंस है, कमेंट में फीडबैक ज़रूर करें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आने वाले अगले वीडियो और भी अच्छे तरीके से वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के बीच में प्रेजेंट कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।